सबसे पहले आप सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम है। और आज का व्लॉग कोई व्लॉग उस तरीके का कोई व्लॉग नहीं है जैसा मैं लेकर आती हूँ हमेशा। आज का वीडियो जो है पता नहीं कैसा जाएगा, ये वीडियो कैसा बनने वाला है। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और शेयर करना ही मुझे ज़रूरी लगा। बहुत टाइम से मेरे व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मतलब लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं नहीं जानती हूँ, पर अभी मेरी हेल्थ जो है अभी ठीक नहीं है। जो भी मुझे प्रॉब्लम है, मेरी जो भी है पेट से संबंधित प्रॉब्लम है जो भी है, वो जल्द से जल्द बस मैं चाहती हूँ कि ठीक हो जाए। क्योंकि जब पेट में प्रॉब्लम होता है किसी के भी, तो फिर उसका माइंड भी काम नहीं करता है ठीक से, और कुछ खाना वाना भी मतलब शरीर में उस तरीके से लग नहीं पाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, जिस जो भी ये चीज़ समझ रहा है पेट से संबंधित प्रॉब्लम। तो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठीक नहीं चल रहा है, ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा महसूस अपने आप को करा रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और इसी जल्द से जल्द के चक्कर में माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो। आपकी अंजलि के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो गई है, और आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। मैंने जब भी कुछ नया करने की कोशिश की है आपने हमेशा मेरी सराहना की है, और जिससे मुझे बूस्टअप मिला है। और अगर आज के डेट में मैं कोई भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो बनाती हूँ कि लाइक आप ही लोग मुझे, मतलब आप लोग ही मेरे मोटिवेशन हो जिससे कि मेरे को हिम्मत मिलती है वीडियोस वगैरह बनाने की। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में ऐसा लग रहा है सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। लाइफ के बारे में मतलब आपको बता रही हूँ, और सॉरी ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल ये रियल है और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग मेरा जो भी चलता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे चलता है। जो मैं मेरा इंस्टाग्राम की जो भी आईडी है उस पर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, लिपसिंग वीडियो, एक्टिंग वीडियो, वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। ये मेरी रियल लाइफ है, ये मेरी रियल ज़िंदगी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों मतलब मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमें नहीं पता है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। एक मिनट कॉल आ रहा है पर मैं, अच्छा अभी मैंने वीडियो कट कर दिया था क्योंकि मेरा एक पार्सल आया है और उसी को जा रही हूँ लेने। मैंने गमले जो है ऑर्डर किया था, इसलिए ऑर्डर किया था गमला क्योंकि प्लांट्स जो है ना बड़े होते जा रहे हैं और वो गमले छोटे हो रहे हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए। और आप देख सकते हो कि अभी ये गमले दो रखे हुए हैं, और ये भी करने का मेरे को मन नहीं कर रहा है जबकि मुझे प्लांट्स इतने ज़्यादा पसंद है, पर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। और फिर अपने ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत बेकार फील हो रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं दे रही, कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव। चलो मैं जा रही हूँ, पार्सल लेती हूँ, आपको भी लेकर चलती हूँ मैं। तो ये रहा मेरा पार्सल, तो मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ कि आज क्या आया हुआ है। वैसे तो मैं जानती हूँ ग्रो बैग है, पर मैंने कभी देखा नहीं है कि
कैसा होता है और सही ऑर्डर आया है कि नहीं आया है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो आज मैं क्या वीडियो बना रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि आज ये आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं जानती हूँ कि जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाएंगे, पर सब ठीक हो जाएगा गाइस। अभी जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी आई हुई है ना, उसको मैं ही दूर करूँगी और एक दिन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तो ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है ग्रो बैग, ग्रीन कलर में है। और इसका साइज देखना पड़ेगा कि इसका साइज कैसा है। तो ये दो आए हुए हैं, मैं आपको प्राइस इसका बता दूंगी। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसको कितने में ऑर्डर किया था। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसकी लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आई थिंक पता नहीं इसमें प्लांट आ पाएगा कि नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। चलो देखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हो, मैं छत पे ही लेटी हुई थी काफ़ी देर से। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम, मतलब हम सब में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सबके साथ होता है कि जब हम जानते भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और हम दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। या फिर कुछ लोग बोल रहे होंगे कि दी ऐसा क्या हो गया है आपको कि जो इस तरीके से आप बातें कर रहे हो। तो रीज़न मैं आपको बताती हूँ, रीज़न ये है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है अभी, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। तो मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे रोना पसंद नहीं है वीडियो में, और मेरे को वीडियो में ज़्यादा रोना आता नहीं है। मैं इतने टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ, पर मैं आपका, मतलब आपने रोते हुए मुझे आई थिंक बहुत कम देखा है, एक बार देखा होगा। तो मेरे को रोना नहीं, वीडियो ऑन होती मेरे को रोना भी नहीं आता है वैसे भी। और रीज़न यही है कि मेरी हेल्थ जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। मेरी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। आज वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि ऐसे सड़े हुए मुंह लेकर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। मतलब आप लोग को थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी कुछ लोगों को, पर ये जेन्युइन है मेरी, मतलब कोई इसमें वो मैंने नहीं किया है ये क्या है क्या नहीं। मतलब जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये अपनी एकदम दिल की फीलिंग बता रही हूँ। कि अभी जो मैं चेहरे से ऐसी लग रही हूँ ना, परेशान वगैरह, अभी देखो बाल बाल में कंघी वंगी भी नहीं कर रखी है मैंने। देख लो मुझे रियल में मैं ऐसी दिखती हूँ रियल में। और ख़ासकर जब मैं परेशान हूँ तब मैं ऐसी दिखती हूँ। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, इतने टाइम से आप मेहनत करो और फिर उस मेहनत पे पानी फिर जाए। हाल फिलहाल से क्या हो रहा है कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक क्या कहते हैं उसको, रिस्क करके, मतलब मेरा इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और ऐसा इंस्टाग्राम वाले मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि आपका एक्सेस जो है ले लिया जा सकता है, आप रिस्क पर है आपका अकाउंट, कभी भी हम एक्सेस आपका ले सकते हैं अकाउंट का। तो ये चीज़ मेरे को ना टेंशन हो रही है, और लाल लाल कलर में ऐसे दिख रहा है। मैं आपको ऐसे फ़ोटो दिखा दूँगी, आप लोग जो समझ पा रहे हैं वो देख सकते हैं। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइक इतनी मेहनत करके एक 6 लाख की फैमिली को खड़ा करना, और उसके बाद फिर ऐसी छोटी सी गलती के कारण, मतलब इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट को ही पूरा मतलब हटाने के लिए सोच रहा है। और वो भी गलती क्या है, मैंने गाना लिया है, और हम लोग क्रिएटर है या लिपसिंग करते हैं, सॉन्ग तो लेंगे, बिना सॉन्ग के कैसे लिपसिंग होगी। और जैसे यूट्यूब पे होता है कि कॉपीराइट क्लेम आता है, वो इंस्टाग्राम पे भी मतलब ये सब सिस्टम होने लगा है, तो कैसे होगा फिर।
मतलब उनको ये तो सोचना चाहिए कि बेशक हमने उनका सॉन्ग लिया है, 15 सेकंड का सॉन्ग लिया है सिर्फ और सिर्फ, और उसमें हम अपना मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, अब वो फिर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मतलब पूरा अकाउंट ही उड़ा देंगे, मतलब अकाउंट ही डिलीट कर देंगे, जो इतने टाइम से जो इंसान मेहनत कर रहा है, मतलब अकाउंट ही उसका डिलीट कर देंगे। और ज़ीरो से स्टार्ट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत मुश्किलों से मैं जॉब करती थी, तभी भी जॉब से आके मैं वीडियोस बनाती थी, उसके बाद फिर होम डांस क्लासेस कराने जाती थी, उसके बाद फिर आती थी, फिर अगले दिन जॉब पर जाना, फिर शाम को फटाफट रेडी होके वीडियोस बना देना, खड़े होके वीडियो बनाती थी मैं, एक घंटे खड़े होके वीडियो बनाती थी। मैं जानती हूँ कि अगर कहते हैं कि अभी मैं छत पे रो भी नहीं सकती हूँ, सब लोग इधर ही आसपास अपने अपने छत पर हैं, मैं अब इतना खुल के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ चीज़ें जो है छुपाई जा सकती है, मेरा मेरा मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मक्खी को एक चांटा खींच के मारूं मैं। तो गाइस बस यही रीज़न है मेरा, मेन यही रीज़न है कि मैं प्लेटफॉर्म पे काम तो कर रही हूँ इतने सारे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, लाइफ में मतलब बहुत बहुत मतलब मैं हमेशा से ये मानती हूँ ना कि मेहनत करने से हर चीज़ मिलता है, न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने अपील के लिए मैंने मैसेज भेजा है, रिपोर्ट भी किया है, पर कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरी ना इंस्टाग्राम से आस ख़त्म हो रही है। और सच बताऊँ तो मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है मैं वीडियोस बिल्कुल भी ना बनाऊँ एकदम, मुझे इंस्टाग्राम पे इतना 1% भी मन नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का। ये देखो कौवा आया है, एक जैसे यही रीज़न है कि जो जिसके कारण मैं दुखी हूँ, जिसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है डिमोटिव, यही रीज़न है। और मैं आपसे बात करते करते मेरे को हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे ना, पर मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि अगर भगवान जी मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं ना तो आगे भी ज़रूर लेकर जाएंगे, इतना पूरा 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 100% विश्वास है मुझे भगवान जी पर, वो ज़रूर लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा मेरे। अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर हट जाता है मान लो, तो मेरे पास यूट्यूब है, मैं यूट्यूब पे पूरी मेहनत करूँगी। और पता नहीं ये देखिए ये बार बार आ रहा है और मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले ऐसे सोई थी, इसको चद्दर नहीं है ये तो रजाई है, इसको ओढ़ के सोई थी, तो दो कबूतर आके और मतलब मेरे ऊपर चल रहे थे, तो मैं अचानक से एकदम डर गई, मैंने बोला क्या है, देखी तो फिर वो आके इधर इधर पे आ गए, उसके बाद वो उड़ गए। तो गाइस जो भी फीलिंग थी मेरे अंदर वो मैंने आप सबको शेयर कर दी, अब आप लोग अपने मन से जैसा आप मुझे जज करना चाहो आप कर सकते हो जज, मैं क्या कर सकती हूँ, किसी की सोच को नहीं बदल सकती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना खा लेती हूँ, आपसे बात करते करते भूख लग गई मुझे, और उस टाइम से भूख नहीं लगी थी मुझे, लेकिन आप लोगों से बात करते करते मुझे भूख भी लग गई। ये देखिए यही इसके अंदर मैंने ORS घोला था वही पी हूँ, उसके बाद से मैं पानी नहीं पी हूँ, पर अब जाऊँगी पानी पीऊँगी। तो गाइस जाती हूँ मैं, बाय। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना या सब्सक्राइब करना, आपका जो दिल करे वो करो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो स्टार बन गए, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि मैं स्टार, मक्खी बहुत परेशान कर, मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं स्टार बन गई हूँ, मतलब मुझे वो स्टार वाली फीलिंग ही नहीं आती है। मुझे इतना पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कुछ भी हो जाए, इंस्टाग्राम चाहे मेरी अकाउंट डिलीट कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, वीडियोस बनाना जो मेरा काम है वो मैं रोकूंगी नहीं, वो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। ये मेरे अंदर एक 4 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, वो मोटिवेशन मेरा सेल्फ मोटिवेशन है। और ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हुआ है, हुआ है प्रोग्रेस। 6 लाख की मैंने फैमिली बनाई है अपनी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की फैमिली। 10,000 यूट्यूब पे है, व्लॉग पे 6,000 है, फेसबुक पे 8,000 है, फेसबुक पेज पर। और क्या चाहिए, बहुत कुछ मिला है मुझे। तो इसी वजह से मोटिवेशन जो है आप लोगों, और हमेशा वीडियोस बनाऊंगी मैं। 1-2 दिन स्किप हो सकता है, इस तरीके से फीलिंग आएगी, लेकिन मेहनत करूंगी मैं, ज़रूर करूंगी, पूरा एकदम लगन से मेहनत करूंगी। ज़ीरो से मैं ऊपर आई हूँ, और इसलिए मुझे मेहनत करना इतना पसंद है। जो इतनी सारी ऑडियंस जिस चीज़ को पसंद करती है, वो चीज़ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में। ठीक हो जाएगा, किसी ना किसी दिन तो ठीक होगा। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना लाइफस्टाइल, जो मैं न्यू अपडेट करूँगी, क्योंकि बहुत असर पड़ता है हमारे लाइफस्टाइल का। अगर हमारा ख़राब लाइफस्टाइल है तो हमारे माइंड पे भी असर होता है। तो मैं अभी धीरे धीरे अपडेट करूँगी, पहले थोड़ा सा जो मेरा माइंड है ऐसा इस तरीके का, उससे मैं उभर जाऊँ, और उसके बाद फिर जो भी मैं नया अपडेट करूँगी अपनी लाइफ में, रूटीन में, अपने ज़िंदगी का रूटीन जो भी है चेंज करूँगी मैं, अच्छा बदलाव लाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। देखो, हेल्दी बोलते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग स्वस्थ रहो, आपको जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए एकदम, और खुश रहो, और अपनी अंजलि को सपोर्ट करते रहो। बाय गाइस, आज का वीडियो मेरा मन नहीं था पोस्ट करने का, पर मैंने पोस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग, बहुत बहुत दिल से सपोर्ट करते हो, इतना तो बनता है ना, मेरी पर्सनल, इतनी सी पर्सनल लाइफ तो शेयर करना बनता है ना, है कि नहीं। चलो बाय गाइस, ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊँगी मैं, जा रही हूँ खाना खा लेती हूँ। तो वो घर से एक आंटी मुझे देख रही हैं, देखो कब से देख रही थी मुझे, ये कर क्या रही है। तो आंटी जी देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ। आधे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि ये फ़ोन लेके किससे बातें करती रहती है दिन भर, पर मैं क्या कर सकती हूँ, जिसको समझ में आता है समझ में आए, नहीं आता समझ में आए तो मैं क्या कर सकती हूँ, कितनों को समझाऊँगी मैं, सबको एक दिन समझ में आ जाएगा। मौसम देखना, बादल कितने अच्छे हो गए हैं, पर भूख लग गई मुझे बहुत है, चक्कर जैसा आ रहा है, जा रही हूँ खाना खा लेती हूँ। बाय गाइस, एक प्यारी सी स्माइल कर देती हूँ, बाय। जबरदस्ती की स्माइल नहीं की है, सच में की है स्माइल, क्योंकि इतना अच्छा मौसम देख के मेरा मूड थोड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी कि कैसा है मेरा हेल्थ और मैं कैसी हूँ। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक।